एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल स्वाति ब्लॉग फरीदाबाद। और आज है कितनी तारीख है? आज है 16 तारीख। आज 16 तारीख है। अभी 11 बज गए हैं और रात के 11 बज गए हैं। सुबह के 11 नहीं है, रात के 11 हैं। तो अभी से जो है मैं अपना व्लॉग है वो स्टार्ट कर रही हूँ। रात को 11 बजे लगा, जोर लगा, जोर लगा। चलो देख सकते हो 11 बजे हुए हैं और ये उठ गई है अभी रात के 11 बजे। और ये रूम हीटर जो है हमारा पूरे दिन चलता रहता है। ये है कॉटन का कपड़ा, इसके ऊपर रखी है हमने अजवाइन। तो इसको जब बच्चों को ठंड लग जाती है तो ऐसे इसको एक पोटली बना के और फिर तवा गरम करके या फिर रूम हीटर है उससे बाबा जी की पोटली बाबा जी की पोटली ऐसे करके गरम करके सीखना। हाँ, इसको गरम कर लो। हे हे। चलो 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 कर देंगे, ठीक है, अभी रेडी हो रहा है तुम्हारा। तो बहुत ज्यादा इसको गरम मत करना, हल्का सा इसको गरम करके, हे हे। जो कि ये सहन कर ले इतना हल्का सा। तो बच्चों को अगर ठंड लग जाए तो इस तरीके से अजवाइन की पोटली बनाकर आप उसके पेट पर सिकाई कर सकते हो, तो थोड़ा ठंड में शायद बच्चों को राहत होगी। तो हम तो पहली बार करके देख रहे हैं, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा। क्योंकि अभी 3-4 दिन से इसको ठंड लग गई है और ग्रीन कलर की जो है पोटी कर रही है ये, इस वजह से। तो मैं जिससे भी बात करी कि ग्रीन कलर की इसको पोटी कर रही है, तो सबने बताया कि इसको ठंड लग गई है इस वजह से ग्रीन कलर की पोटी कर रही है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको ये गरम गरम पोटली पेट पे रखवाते हुए अच्छा भी लग रहा है। कैमरा देख रही है, कैमरा देख रही है। अरे तुम भी व्लॉग में आ जाओगे हैं? बोलो हाय। हाय गाइस, ऐसे बोलो हाय गाइस। मेरी मम्मी के चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारी वीडियो को लाइक करो, ऐसे बोलना, ठीक है? और ये है अगले दिन का वीडियो, जो कि ये बोल रहे थे कि चलते हैं हॉस्पिटल एक बार दिखा लेते हैं। ये तो एक दिन पहले भी बोल रहे थे 16 तारीख को भी चलते हैं, इंतज़ार नहीं करते अब क्योंकि ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए, उससे अच्छा है कि अभी दिखा लेते हैं। तो ये 17 तारीख का है, हम हॉस्पिटल अभी पहुँच चुके हैं। और अभी है ना, बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा रोता भी है ना, तो समझ नहीं आता क्यों रो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चा तो बता नहीं सकता है। तो लगता है चलो एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं। और कुछ टाइम से तो मैं एक भी वीडियो जो कि नहीं बना पाई हूँ, जो पहले की थी वो सारी मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। और बस ऐसी ही कुछ हमारी जो लाइफ है वो चल रही है। और आजकल तो पता ही लग रहा है कि क्या रात क्या दिन सब एक जैसा ही लग रहा है, क्योंकि बच्चे के साथ में ना पूरा दिन कैसे निकल जाता है आपका पता ही नहीं चलता है। और रात को भी जगती रहती है, रोती रहती है, तो बार में फीड करवाना पड़ता है, तो कब रात भी निकल जाती है तो कुछ पता ही नहीं रहता है समय कैसे निकल रहा है हमारा। अच्छा लग रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और जब आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है तो आप हर काम कर सकते हो, कोई काम ऐसा ज़िंदगी में नहीं होता कि आप नहीं कर सकते हो। जब तक नहीं किया हो तब तक डर लगता है कि हाँ ये काम हम कैसे करेंगे, कैसे होगा, लेकिन जब आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आती है ना तो आप सब कर लेते हो। बेटी एक मिनट रुक जाओ, रुको, क्या हुआ तुमको?
जो मेरा ये वाला व्लॉग है वो चल रहा है परसों से और अभी तक इस व्लॉग का एंड नहीं हुआ है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा बना ही नहीं पा रहे हैंगे, कोशिश कर रहे हैं बनाने की। कल गए थे हम हॉस्पिटल तो वहां से आते वक्त हमने कोई व्लॉग नहीं शूट किया, फिर आने के बाद भी कुछ नहीं किया। हम गए थे 1 बजे और 4 बजे के करीब हम आए हैं घर पे। 4 बजने में 5 मिनट होगा, 10 मिनट होगा इस तरीके से। फिर आके हमने खिचड़ी बनाई है, खिचड़ी खाई है, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा सो गए 5 साढ़े 5 बजे के करीब। तो डॉक्टर के हम इसलिए गए थे क्योंकि ये कुछ दिन से, मतलब कि 3-4 दिन से ग्रीन कलर की पोटी कर रही है। पहले जैसे कि बच्चा करता ही है उस टाइप की पोटी, लेकिन उसके बाद इसने येलो करनी शुरू कर दी थी। लेकिन फिर से लग रहा है कि इसको ठंड लग गई है, जिस चीज से मेरी बात हुई है फोन पे तो वो सब कह रहे ठंड लग गई है इसको, इस वजह से ग्रीन कर रही है। लेकिन डॉक्टर ने कुछ बताया है उस कि इस वजह से लग गई है, तो मेडिसिन तो कोई नहीं दिया है, तो कुछ ध्यान रखने के लिए बोला है डॉक्टर ने, उन सब चीजों पर बस काम करना अब। और एक ही पल में आपकी लाइफ कितनी चेंज हो जाती है। पहले कंट्रोल हमारी लाइफ का हमारे ऊपर था, लेकिन अब कंट्रोल जो है सारा इसके ऊपर है, मतलब इसके हिसाब से हमें अपनी जो लाइफ है अब चलानी पड़ेगी। जब ये सोती है तो तब सोना है, ये उठेगी और सोती तो मुझे लगता है बहुत ही कमी है, ज़्यादा जगी रहती है और मतलब गोदी में लेके इसको ये सोती रहती है, वैसे नीचे लेटते इसको उठना है तो ये थोड़ी सी परेशानी हो रही है। नीचे सो जाए ना तो लगता है हाँ कुछ और काम भी कर ले हम, लेकिन अभी जितनी भी जिम्मेदारी है सारी इनके ऊपर है, मेरे ऊपर अभी इतनी है नहीं। जितना भी काम कर रहे हैं घर का, जैसे कपड़े धोने हैं, खाना बनाना है, हर चीज़ बाहर से कुछ लाना है, तो सब यही कर रहे हैं। और अभी जैसे कि मैंने डेली नहाना शुरू कर दिया था, तो अभी थोड़ा सा एक दिन छोड़ के एक दिन नहाया करूँगी। सुबह सुबह जैसे मैं डेली नहा लेती थी वो नहीं नहाऊंगी, क्योंकि मुझे अपना भी ख्याल रखना है, क्योंकि मेरे से ही ठंड इसको लगेगी। एक तो क्या मेरे साथ रीज़न यही है कि मुझे गर्मी बहुत, मतलब सर्दी बहुत कम लगती है, तो मैं ना स्वेटर पहनती हूँ, एक पतला सा ये शॉल ले रखा है और मैंने, और बस ये एक कपड़ा बांध रखा है इससे कि सिर पे हवा ना लगे। इस वजह से जैसे सब बोलते हैं कि सिर इस वक्त बांध के रखना चाहिए, नहीं तो मैं तो कभी ये भी सब नहीं करती हूँ, बस एक मजबूरी है, अब करना पड़ेगा। क्योंकि पहले आपकी लाइफ आपकी होती है, अब साथ में जब बच्चा जुड़ जाता है तो उसके बारे में ज़्यादा सोचना पड़ता है, अपने बारे में नहीं। तो इस व्लॉग को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगी, इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तो ऐसी ही कुछ लाइफ चल रही है, वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप सभी को बाय बाय, खुश रहिए।